सच्चे अर्थों में मैंने पहले भी निवेदन किया कि हम अगर देने की भावना बना करके चलेंगे कहीं पर भी तो आप देने लायक हो जाओगे। आपके अंदर में अगर लेने की भावना रहेगी तो फिर आप लेने वालों की लेन में खड़े रह जाओगे। इसलिए हमेशा देने वाले बनो। देने वाले बनोगे तो आप दाता कहलाओगे, दानी कहलाओगे। लेने वाले बनोगे तो भिखारी कहलाओगे, और भिखारियों की पूर्ति कभी होती नहीं है। जीवन भर मांगते मांगते व्यतीत हो जाता है। कोई जरूरी नहीं है महाराज हमारे पास में पैसा नहीं है, नहीं, जितना है उतना सही। तुम्हारे पास में तुम्हारे विचार तो अच्छे हैं, तुम्हारे पास में तुम्हारी वाणी तो अच्छी है, तुम वाणी से ही लोगों को बहुत सुख दे सकते हो, बहुत शांति दे सकते हो। तुम अपने विचारों से लोगों को बहुत शांति दे सकते हो। तुम अपने व्यक्तित्व से लोगों को बहुत कुछ दे सकते हो। कोई पैसा ही देने लायक चीज नहीं है। नहीं, पैसा भी जरूरी है, ये एक व्यवस्था है, लेकिन वास्तव में इससे और बहुत बड़ी बड़ी चीजें हैं। तो हम धन्यवाद देते हैं ऐसे भक्तों को। ये राम स्वरूप जी और ये राजा बेटी, ये हमारे यहाँ जो पिपरई के बारेलाल ब्रह्मचारी रह रहे हैं, उनके ही ये शारीरिक संबंध से बहन बहनों लगते हैं। तो सज्जनों, हमें भी इस तरीका से संतों की बातों को श्रवण करके और इन चीज़ों को, ये सादा चीज़ें हैं, बिल्कुल कोई कठिन तो नहीं है। आप अगर अपनी वाणी से अच्छे बोलोगे तो सबको अच्छे लगोगे। प्रिय वाक्य प्रधानेन सर्वे तस्वंत जंतवा, ये मीठी वाणी मनुष्य को ही नहीं, ये पशु और पक्षियों को भी बहुत अच्छी लगती है। चाहे तुम अपने कुत्ता से बोलो, वो भी पूंछे लाएगा। अपनी भैंस से बोलो, वो भी खुश हो जाएगी। और अगर आप ललकार करके, फटकार करके, डांट करके बोलोगे तो फिर वो भी नाराज़ हो जाएगी, भैंस भी नाराज हो जाएगी, तुम्हारा कुत्ता भी तुम्हारे द्वार को छोड़ जाएगा। इंसान की तो बहुत दूर की बात है। तो इसमें हमारा कुछ लग तो नहीं रहा है, लेकिन हमारा ये अहंकार बीच में आ जाता है। तो जो अहंकार है वो हमारे मिठास को खा जाता है। हमारे जो भीतर की स्वाभाविक जो मिठासता है, हमारे भीतर में जो स्वाभाविक मिठास भरा हुआ है, वो अहंकार हमको कुछ नहीं करने देता। अरे का जहाँ से ऐसे बोलेंगे हम, अरे का जिया जहाँ से तो हम बहुत बड़े हैं, ये ऐसा ये अहंकार। घर में सासू माँ है तो शायद बहू से वो अगर इस तरीका से बोले अच्छे, बेटी कह करके, बहू कह करके, बहूरानी कह करके, तो बहू को कितनी अच्छी लगेगी। भाई सासू माँ क्या है, कैसी अच्छी बढ़िया मीठी वाणी है, कोई काम भी खराब हो जाए तब भी कितनी बढ़िया बात करती है। अगर कोई बहू है तो वो अपने सासू ससुर से अगर मम्मी और पापा जी कह करके बोलती है तो उनको कितना अच्छा लगेगा। आप अपने प्यार से, अपने मीठे स्वभाव से, मीठे व्यवहार से अपने साथियों को बदल सकते हैं, अपने मित्रों को बदल सकते हैं, अपने पड़ोसियों को बदल सकते हैं। ऐसे ऐसे प्रमाण मिले हैं। मैंने पहले भी एक बार कहा था कि कोई एक नगर वधू थी और एक बंते के पीछे पड़ गई वो, यानी किसी साधु के पीछे। उसने कहा, गए आप यहीं पर भोजन पाओ हमारे यहाँ।
तो संत होते, संतों ने भोजन पाया संत ने, और फिर उसने हाथ जोड़ करके आग्रह किया, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी, 4 महीना चौमास के आने वाले हैं अब, और चतुर्मास तो मेरे ही मकान पर करो, साधु भी ठीक ठाक होगा कोई। उस साधु ने हाथ जोड़ करके कहा, बहन जी भोजन तो मैंने पा लिया, लेकिन ये तो मेरे गुरुदेव जी के पास जाकर के आप आज्ञा लोगी और वो मुझसे कहेंगे तब मैं विश्राम कर सकता हूं आपके यहां। उस बेस्या के अंदर में ऐसी लगन लगी, वो जाकर के तथागत बुद्ध के पास पहुंची और बुद्ध से निवेदन किया कि आपकी बड़ी मेहरबानी होगी, आपकी बड़ी कृपा होगी, ये आपका साधु है ये मुझको बहुत अच्छा लग रहा है, मेरे घर पर भोजन भी पाया इन्होंने और मैंने चतुर्मास करने के लिए इनसे निवेदन किया है। तो जो और बुद्ध के आसपास कुछ लोग बैठे, बनते बैठे, बिच्छू बैठे, वो कहने लगे, कैसा पागल है, इसी ने सिखाया होगा इसको, और यही सिखा करके लाया है यहाँ पर इसको बेस्या को, कह तू चल गुरुजी से कहलवा देना फिर मैं रह जाऊँगा, और इसका मन ठीक नहीं है, ये जवान साधु है और ये बेस्या है, इसका क्या भरोसा है, क्या ये ठीक रह पाएगा। अरे कोई 2400 घंटा अगर कलारी पर रहे और अगर वो शराब न पिए तो वो बहुत बड़ी बात है, अंता श्राप कलारी पर रह करके तो एक न एक दिन पी लेगा, देखेगा जब 100 लोग पी रहे हैं, 200 लोग पी रहे हैं और एक पे एक पीते चले जाते हैं तो ज़्यादा नहीं तो एक बार तो चाख ही लूँ कि कैसा क्या है इसमें, जिससे लोग अपने तन मन धन की बाजी लगा करके और कलारी पर आकर के शराब पीते तो पी लेगा, क्या उसका मन नहीं होगा इस तरीके से। तो मेरे भाई बहनों पवित्रता नजर आ रही थी, बड़ा धैर्य नजर आ रहा था। बुद्ध ने कहा चल ठीक है, अगर ऐसी बात है तो ले जा, और बेस्या के साथ वो बिच्छू चला गया। 4 महीना का चतुर्मास किया और बुद्ध से लोग रोज आए दिन चर्चा करते यही कि आपने एक अच्छे महात्मा का बिगाड़ करवा दिया। बेस्या के पास में जाकर के और वो कैसे ठीक रहेगा। बुद्ध ने कहा ये भी एक परीक्षा है, अगर बेस्या में शक्ति होगी तो वो उसको बदल देगी, अगर उसमें शक्ति होगी तो वो बेस्या को बदल देगा। उसने बहुत बहुत प्रयास किए, उसकी परीक्षाएं ली, लेकिन वो अपने लक्ष्य पर सही बना रहा। अपने लक्ष्य पर बिल्कुल सदा रहा टकाटक। इसीलिए शायद रहीम जी ने एक दुआ कहा है कि कह रही मयूतम प्रकट और कहा करी सकत कुसंग चंदन विष व्यापे नहीं लिपटे रेत भुजंग। कितनी बड़ी उच्च कोटि की बात कही है, जो उत्तम प्रकृति के, अरे निम्न प्रकृति के लोग तो बह जाते हैं, लेकिन वो बिच्छू तो उत्तम प्रकृति का था, वो अपनी ध्यान में अपनी साधना में और वो बराबर सेवा करती रही, बहुत अच्छा अच्छा भोजन, बहुत सोने बैठने की व्यवस्था, और कभी कभी उसको प्रभावित करने के लिए अपनी मायावी जाल भी फेंके, लेकिन वो अपने लक्ष्य पर टकाटक बना रहा। जब आखिरी में बेस्या ने ये बात स्वीकार करी कि भाई वास्तव में ये संत है, और जब वो बोलता महात्मा तो उस बेस्या को बहुत बड़ी शांति मिलती है। उस बेस्या को जब वो बोलता कि भाई ये मानव शरीर
ये सिर्फ काम भोग के लिए नहीं है, ये सिर्फ लड़ने भिड़ने के लिए नहीं है, ये मरने और मारने के लिए नहीं है, ये क्रोध और ईर्ष्या में जलने के लिए नहीं है। ये मानव का शरीर मिला है तो ये तो कल्याण करने के लिए मिला है, ये मोक्ष की दुनिया। और जो लोग ऐसा समझ लेते हैं तो वो बहुत बड़ी भूल में। महाराज अयाति ने अपने पुत्र की उम्र को भी भोगा, स्वयं को भोगा, पुत्र की उम्र को भोगा, लेकिन तृप्ति नहीं भाई। जब देखा तो मृत्यु सामने खड़ी दी गई। 100 वर्ष बीत गए, 200 वर्ष बीत गए, कहीं अतिशयोक्ति हो सकती है, अलंकार हो सकता है, लेकिन इसका भाव यही है। आखिरी में जब उसको ध्यान आया तब उनको पता लगा कि भोगा न भोगता वो मे वो भोगतम। मैं तो सोच रहा था कि मैं भोगों को भोग रहा हूँ, लेकिन भोगों ने मेरे को ही भोग लिया। भैया जितना घी अग्नि में डालो क्या अग्नि तृप्त हो जाएगी? कोई कहे भाई कले जला कितना जलाएगी, और वो डालता गया लकड़ी तेल घी अग्नि में और प्रज्वलित होती गई होती गई होती गई, और अग्नि कहती गई और ला और ला और ला और ला। तीनों लोगों के घी और तेल और लकड़ी को अगर जला दिया जाए तब भी वो आग तृप्त होने वाली नहीं है। इसलिए महाराज अयाति को वहाँ ज्ञान हो गया, और यहाँ वो बिच्छू यही उपदेश देता है बेस्या को। अब वो बेस्या नहीं है, वो साध्वी बनी जा रही है धीरे 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 धीरे, और यही उपदेश देता है। आज तलक तूने कितना सुख भोगा है, आज तलक कितने पुरुषों के संसर्ग में रही हो तुम, लेकिन मिला क्या? ये हमारे मन की भूल है। कोई एक व्यक्ति अपना सुख दूसरे व्यक्ति में देखता है खोजता है, ये सबसे ज्यादा बड़ी भूल की बात है। ऐसे ही समझो जैसे खाज को खुजाते हैं, और खाज को खुजाते खुजाते जब खुजाते हैं तब तो बड़ा अच्छा लगता है, और खुजाए दे और खुजाए दे, ज़्यादा आए पड़े तो को पथैया पड़ी हो तो बातें रगड़ते हो, को लकड़िया पड़ी हो बातें रगड़ते हो, लेकिन फिर कछु देर बाद जब उसमें से आग निकलती है, उसमें से खून निकलता है, चमड़ी फट जाती है, तो फिर सूजन आ जाती है और बड़ी वेदना होती है। 4 महीना समाप्त हुए, 4 महीना के पश्चात उस बंते ने निवेदन किया कि बहन जी अब तो आपका पाठ पूरा हो गया, अब अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं चलूं गुरुदेव जी के पास। और वो जो पास के भंते थे वो बुद्ध को कोसते चले जा रहे, तुमको तो शर्म आनी चाहिए, वो तो लड़का सवान जवान साधु था, लेकिन तुम्हें तो शर्म आनी चाहिए किसी बेस्या के घर पर एक जवान साधु को भेजना। तुम कैसे साधु हो? तो बुद्ध यही कहकर के टालते रहते थे, कोई बात नहीं है, अगर ठीक होगा तो वो बेस्या उसके पीछे आएगी और वो आगे आएगा, अगर ठीक नहीं होगा तो फिर बेस्या आगे होगी और वो पीछे होगा। और वही हुआ, जब पूरा चतुर्मास हो गया तो फिर वो आगे आगे आ रहा है और बेस्या वो पीछे पीछे आ रही है, एक सादा भेष में। पहले का जो रूप था वो तो बहुत जलाली रूप था, लेकिन जो अब बेस्या आ रही है बिल्कुल सादा वेश में, और आकर के बुद्ध के पैरों में सर रख दिया, कहने लगी भगवान धन्य आपके लिए और आपके इस शिष्य के लिए, मैंने बहुत बड़े बड़े प्रयास किए लेकिन ये अपने लक्ष्य से बिल्कुल हिला नहीं, और अब मुझको भी ये पता लग गया कि वास्तव में संसार तो संसार है, संसार के भोग भोग ही होते हैं,
अब तो जैसे इस भंते को आपने शरण में लिया है, अब मैं भी आपकी शरण में ही रहूंगी। और वो एक बहुत अच्छी साधु भी बने। सज्जनों, हम क्यों नहीं अपने विकारों को देखें? जितने हमारे ऊपर दुख हैं, संकट हैं, वो हमारे विकारों के आधार से हैं, कोई और दुख देने वाला नहीं है। ऐ बाबा तुलसीदास जी ने रामायण में जो बात कही दी कि कोई न काउ सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। करई जो कर्म पावे फल सोई, निगम नीति अस कह सब कोई। तो ये ध्यान रखो, तुम्हारे ऊपर तुमको कोई दुख और सुख देने वाला नहीं है। आप अपनी कमजोरी को देखो, आप अपनी कमी को खोजो। जब तुम आप अपने भीतर में लौट करके आओगे तो तुम्हें अपनी कमजोरी का पता लग जाएगा। और जब तुम अपनी कमजोरी को देख लोगे तो फिर दूसरों को दोष देना बंद कर दोगे। आप अपने अंदर में वो दीपक जलाओ ज्ञान का, जिससे हमारे भीतर की सारी चीजें नजर आने लगें। हम काम को भी देख लें, क्रोध को भी देख लें, लोभ और मोह को भी देख लें, अपने अहंकार को भी देख लें। और जब तुम्हें सारी चीज दिखती चली जाएंगी तो फिर तुम उनका रूपांतरण भी कर लोगे, उनका बदलाव भी कर लोगे। कितना बढ़िया भजन सुनाया महात्मा जी ने, चिड़िया चुन गई खेत। ये चिड़िया क्या है? यही हमारी वृत्तियां ही तो चिड़िया हैं। काम की चिड़िया, क्रोध की चिड़िया, लोभ मोह की चिड़िया, रजोगुण की चिड़िया, तमोगुण की चिड़िया, सतोगुण की चिड़िया है। ये चिड़ियाएं भवसागर की, काली पीली सफेद। काली कहिए तमोगुण की, पीली कहिए रजोगुण की, और सफेद कहिए सतोगुण की। ये तीनों गुण भी जीव को माया में बांधते हैं। ये बहुत बड़ी एक कला है। अच्छा एक बात बताएं, ये तीनों गुणों के बिना ये चलेगा भी नहीं। ये जो पांच तत्व का ढांचा है ये चलेगा भी नहीं। अब हम पहचान कैसे करें इनकी कि हमारे भीतर में क्या चल रहा है? ये सत्संग में ही धीरे धीरे आते आते। रजोगुण क्रियाशील है। जब तुम बैठे हो ध्यान पर, भजन पर, और तुम्हारे चित्त में तूफान उठ रहे हैं, ये करना है, वह करना है, यहां जाना है, वहां जाना है, समझ लो कि रजोगुण प्रधान है आपके अंदर। और जब तुम्हारे अंदर में आलस है, प्रमाद है, मोह है, घमंड है, तब समझ लो कि अब तमोगुण है मेरे अंदर में। और जब तुम्हारे अंदर में सुख है, शांति है, ज्ञान की धारा में हम बह रहे हैं, तो समझ लो कि अब सतोगुण है तुम्हारे अंदर में। और तुम देखो, परख करो, कब कब कौन कौन का पहरा आता है, कब रजोगुण आता है, कब सत्वगुण आता है और कब तमोगुण आता है। हाँ, हमारे समय में इनकी प्रधानता जरूर होती है। रहते तो तीनों बराबर हैं, लेकिन फिर भी इनकी प्रधानता होती है। जैसे मानो बचपन में बच्चा के अंदर में रजोगुण ज्यादा होता है, अधिक होता है, जवानी में विशेष सत्वगुण होता है, और वृद्धावस्था में तमोगुण आ जाता है। इसलिए बच्चा को आप रोकना चाहो तो रुकेगा नहीं, क्योंकि रजोगुण है उसमें। सतोगुण एक संतुलन है। जब बढ़िया संतुलन, जैसे कोई गाड़ी चालू करी तब रजोगुण, और जब गाड़ी चली अपने संतुलन में तब सतोगुण, और जब फिर रोकी तो तमोगुण। ये हमारी तो गाड़ी है जीवन की। तो हम सवेरे बैठ करके देखें, शाम को बैठ करके देखें, अपने भीतर की प्रवृत्तियों को पहचानें। तो भीतर की प्रवृत्तियों को पहचानोगे तब तुमको पता लगेगा कि ये चिड़िया हमारे खेत को चुंग रही है, ये हमारी जीवन रूपी खेती बर्बाद हो रही है, नष्ट हो रही है, फसल नष्ट हो रही है।
तो कैसे पता लगेगा इसका? इसका जब पता लगेगा जब सदगुरु की कृपा होगी। तो शाम को बैठ करके देखो, सवेरे बैठ करके देखो। संसार के लोग इसी में बंधे हुए हैं।